नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबु सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था, जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है। जबकि 3 अगस्त को पाक दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाह ने पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलकर इस मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मांग की थी। अब पाकिस्तान ने इसे छोड़ने के लिए ईरान को एक नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक उस पर अमेरिका की पाबंदियां लगी है। ईरान का दावा है कि वो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का काम पहले ही पूरा कर चुका है। इसके लिए उसने 1150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। 2013 में ये काम पूरा होने की सेरेमनी ईरान ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में सेलिब्रेट की थी। इसमें 62,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पाकिस्तान ने भी जनवरी 2015 तक अपने हिस्से का काम पूरा करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया है। 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते इस प्रोजेक्ट में परेशानियां आ रही हैं। पाकिस्तान की गैस डील सस्पेंड करने से अब पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर यानी 1,48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा किए गए मानहानि के केस में आज सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हुए। गहलोत को रिविजन कोर्ट ने राव एवेन्यू कोर्ट में वीसी से पेश होने व बेल बॉन्ड नहीं भरने की छूट दी थी। इसके चलते आज सीएम अशोक गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा। राव एवेन्यू कोर्ट ने 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तय की है। ऐसे में इससे पहले सीएम गहलोत को रिविजन कोर्ट से निचली अदालत के आदेश पर स्टे लाना होगा अथवा कोर्ट से फिर व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट लेनी होगी, वरना 21 अगस्त को उन्हें राव एवेन्यू कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपनी जमानत करानी होगी। रिविजन कोर्ट में 19 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताते हुए मामले में मानहानि का दावा किया था, जिस पर राव एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। जयपुर में बुर्ज रेस्टोरेंट में देर रात लिफ्ट दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। इस हादसे में लिफ्ट में सवार 6 लोगों को चोट आई है, इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को घटना के बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना एयरपोर्ट थाना इलाके की है। घायल हुए एक व्यक्ति ने बताया कि पुलिस के आने पर बुर्ज रेस्टोरेंट में मौजूद लोग भागने लगे। लोगों को रेस्टोरेंट के स्टाफ ने जबरन लिफ्ट से नीचे भेजना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया, देर रात जानकारी मिली थी कि बुर्ज रेस्टोरेंट में शराब और डीजे पार्टी चल रही है। पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जांच की गई तो वहां पर कोई नहीं मिला। डीसीपी ने कहा, उन्हें ये जानकारी एसीपी मालवीय नगर संजय शर्मा ने दी है। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई तो उसकी जांच कराई जाएगी। लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। उसके बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा की शुरुआत। उन्होंने कहा, ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 सचिवों के नीचे आएगा, यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। सिंघवी ने कहा, सभी बोर्डो कमेटियों के प्रमुख सुपर सीएम यानी गृह मंत्रालय से ही बनाए जाएंगे। क्या निचले पायदान से लेकर ऊपर तक अफसर के लिए नीतियां आप बनाना चाहते हैं? सिंघवी ने कहा कि बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है। सिंघवी ने कहा, लालकृष्ण आडवाणी जब होम मिनिस्टर थे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाए थे। भाजपा के पूर्ण राज्य के मुद्दे पर दिल्ली के 2 चुनाव जीते थे। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि संविधान ने जो अधिकार दिल्ली को दिए हैं, उन्हें मत छीनिए। श्रेयस तलपड़े, तनिषा मुखर्जी और संजय मिश्रा स्टारर लव यू शंकर 22 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक बच्चे के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो लंदन से बनारस आता है। 4 भाषाओं में रिलीज होने जा रही इस फिल्म में नाग के कैरेक्टर को भी हाईलाइट किया गया है। फिल्म का नाम रोहन दीप सिंह और निर्देशन राजीव एस रुइया ने किया है। फिल्म में ड्रामा और कॉमेडी के साथ साथ
हैवी एनिमेशन वर्क भी है। इतना हैवी कि फिल्म की शूटिंग के बाद मेकर्स को इसका एनिमेशन कंप्लीट करने में 1 साल का वक्त लगा। अगर आपको युगचयन की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचयन के साथ।